गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी आर डूइंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन विच वी आर डूइंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इन प्रीवियस क्लास वी हैड डन अप टू एग्जांपल नंबर 11। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 12। व्हाट इज एग्जांपल नंबर 12? दैट इज Find the interval in which function fx is equal to sin 3x. fx is equal to sin 3x and x belongs to 0 to pi by 2. x belongs to 0 to pi by 2. Is increasing and decreasing. Again, we have to get the interval in which function increasing or decreasing. So, same way, first of all, we have to get the derivative of this function, which is f dash x is equal to sine 3x. Derivative of sine 3x is cos 3x, or into derivative of 3x is 3. Okay? So now for turning point, for critical point, now f dash x is equal to 0. So that is 3 cos 3x is equal to 0, so cos 3x is equal to 0. If cos theta is equal to 0, what is general value of theta? What was the general value of theta? If cos theta is equal to 0, then theta was 2n plus 1 into pi by 2. You have already studied in class 11th, the general solution of trigonometric functions, right? So if cos theta is equal to 0, then theta is 2n plus 1 into pi by 2. So how do you get the value of x? So this can be written as 3x is equal to theta is equal to cos theta is equal to 0. Now cos theta is equal to 0. So theta is 3x is equal to 2n plus 1 into pi by 2, where n belongs to z, right? Then replace n by 1. पहले हम 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? पहले 0 रखते हैं, इंटीजर्स है ना, तो इंटीजर्स तो 0 भी रख सकते हैं हम। 3x is equal to n की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो pi by 2, एंड जब हम 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 pi by 2, ठीक है? और 3 रखेंगे तो 1 2 रख दिया हमने, नहीं 0 रखने से तो pi by 2 आ गया, n 1 रखने से 3 pi by 2 आ गया, अगर 2 रखूंगा तो 5 pi by 2 आएगा, एंड सो ऑन ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? तो x is equal to कितना हो जाएगा? दैट इज pi by 6 एंड पाई बाई 2। अब इसको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पाई बाई 2 तक लाना हमने, मैक्सिमम 0 टू पाई बाई 2, ठीक है? तो दीज आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स। नाउ वी हैव टू गेट द इंटरवल इन विच फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो व्हाट शुड वी डू? वी हैव टू मेक द टेबल दैट इज इंटरवल्स साइन ऑफ एफ डैश एक्स, and this is nature, intervals, sin of f dash x and nature. Let us see intervals. तो देखो, आपने देखा कि 0 0 to pi by 6, right? And pi by 6 to अपर लिमिट इज पाई बाय 2, दिस इज ओपन एंड क्लोज, राइट? तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स, अब एफ डैश एक्स में इसका साइन देखते हैं वेदर दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव 0 टू पाई बाय 6 के बीच में। 0 इसमें इंक्लूडेड है तो आप कॉस 0 इसमें पुट कर सकते हो, दिस इज इंक्लूसिव। तो कॉस 0 इज 1, कॉस 0 1 होगा तो कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स? कितना हो जाएगा? 3। तो पॉजिटिव आ गया तो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। ठीक है, एंड पाई बाय 6 टू पाई बाय 2, पाई बाय 6 टू पाई बाय 2, जैसे पाई बाय 4 रख दिया हमने, तो पाई बाय 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो 3 cos 3 पाई बाय 4, तो दिस कैन बी रिटन एज 3 cos पाई माइनस पाई बाय 4। दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? cos नेगेटिव, cos 180 minus theta is minus cos theta,
cos 180 minus 3 minus cos theta, ठीक है, तो नेगेटिव आ जाएगा, दिस इज नेगेटिव। कोई भी वैल्यू इसके बीच में पाई बाय 6 और पाई बाय 2 के बीच में हमारे पास क्या है, पाई बाय 4 है, 45, ठीक है, तो 45 वैल्यू मैंने वैल्यू रख दी इसमें अंदर, पाई बाय 4, तो दैट इज 3 पाई बाय 4, इसमें रखेंगे 3 पाई बाय 4, दिस 3 पाई बाय 4 कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई बाय 4, सेकंड क्वाड्रेंट 180 में नो चेंज, सेकंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव आ जाएगा, तो दैट इज माइनस 3 cos पाई बाय 4 आएगा ना, और cos पाई बाय 4 इज 1/√2, तो नेगेटिव आ गया, दैट इज नेगेटिव, तो नेगेटिव इज, तो दैट इज डिक्रीजिंग। आपको पता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तभी होता है जब दोनों साइड में क्या होता है हमारे पास ओपन इंटरवल्स होते हैं, ओपन इंटरवल मींस जो टर्निंग पॉइंट आएगा ना उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो तब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, राइट राइट। तो इट वॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में है। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल विच इज एग्जाम्पल नंबर 13, ये कई कई बार आपके पास बोर्ड में आया हुआ है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे पहले एग्जाम्पल नंबर 13, व्हाट इज दैट, थर्टीन एग्जाम्पल, दिस इज गिवन, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड एक्स इज बिटवीन 0 to 2π, एक्स इज बिटवीन 0 to 2π, राइट, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दैट इज व्हाट वी हैव टू गेट, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है, तो पहले देखते हैं एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, अब सेम वही, नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो दैट मींस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, या आप कॉस से डिवाइड कर दो तो टेन एक्स इज इक्वल टू 1, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई कॉस एक्स, तो साइन अपॉन कॉस ना टेन हो गया ना, तो टेन एक्स इज इक्वल टू 1, अब टेन एक्स इज इक्वल टू 1, तो देखो 1 किस किस की वैल्यू होती है टेन में, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन पाई बाई 4 ना, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन पाई बाई 4 आ गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, दिस इज थीटा एंड दिस इज अल्फा, तो क्या था हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एन पाई प्लस अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड, दैट वाज द जनरल सॉल्यूशन, तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा इज पाई बाई 4 वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, तो एक्स इज इक्वल टू, अब एन की वैल्यू रिप्लेस करो, एन को इंटीजर्स पुट करो, पहला इंटीजर पुट करेंगे एन की वैल्यू 0, तो एक तो पाई बाई 4 की वैल्यू आ गई, फिर 1 पुट करेंगे तो पाई प्लस पाई बाई 4 5 पाई बाई 4, अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4 जो है हमारा इससे बियॉन्ड चला जाएगा, तो मुझे रखने की जरूरत नहीं है, तो एक पाई बाई 4 आ गया, एक 5 पाई बाई 4 आ गया, तो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, तो नाउ इंटरवल्स साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड नेचर क्या हो जाएगा, इंटरवल्स है पहले हमारे पास 0 to π/4 एंड π/4 to 5π/4 एंड 5π/4 टू, देखो पहले हमारे पास 0 टू, ये x जो पाई बाई 4 और 5π/4 ये दोनों वैल्यूज जो है हमारे पास 0 और 2π के बीच में आए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब पहले हमारे पास 0 होगा 0 टू पाई बाई 4, फिर पाई बाई 4 टू 5π/4, 5π/4 टू 2π, अब देख लेते हैं 0 टू पाई बाई 4
जीरो टू पाई बाय फोर मतलब जीरो और 45 डिग्री के बीच में, तो दैट इज 30 रख देते हैं, पाई बाय 6 रख देते हैं, तो इसमें रखेंगे पाई बाय 6, तो कॉस पाई बाय 6 क्या होता है, अगर हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो कॉस पाई बाय 6 इज रूट 3 बाय 2 और माइनस साइन पाई बाय 6 इज 1 बाय 2, तो रूट 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 2, तो रूट 3 माइनस 1 बाय 2, रूट 3 इज 1.73 और माइनस 1 तो 0.73 अपॉन 2 कितना हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 90 होता है, ज्यादा इजी है, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 के बीच में 90 आ जाएगा, 90 डिग्री, तो कॉस 90 इज 0, साइन 90 इज माइनस 1, तो नेगेटिव आ गया, एंड 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई कोई सभी रख दो, 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई तो कितना हो जाएगा 270 रख लेते हैं, 270 डिग्री, तो 270 डिग्री कॉस 270 कॉस 270 जीरो होता है और साइन 270 माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस 1 दैट इज प्लस 1 पॉजिटिव, तो स्टेप इंक्रीजिंग, तो लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आप लिख सकते हो क्या कि हैंस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई एंड डिक्रीजिंग इन 5/4 to 5/4 ठीक है, तो strictly increasing और strictly decreasing in 5/5, तो this is what we had to get, ठीक है, तो these were the examples, example 13 and example 14. Now based on example 12 and 13. Now based on these examples, we have to do exercise 6.2. इसमें से एक question कर लेते हैं पहले. ये तो बहुत easy है जो आगे ऊपर वाले questions हैं. एक question देखो जैसे normally mistake जो करते हैं बच्चे. Question number 6. Sixth exercise 6.2 sixth question number 6 ka c part ye hai f of x is equal to that is given by minus 2x cube minus 9x square माइनस 12x प्लस 1 नाउ गेट एफ डैश एक्स इज माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x और माइनस 12 नाउ या इट कैन बी रिटन एज माइनस 6 टेक एज कॉमन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 राइट इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 Now, put f dash x is equal to 0. That means minus 6 into x plus 1, x plus 2 is equal to 0, which implies x plus 1 into x plus 2 is equal to 0, which implies x is equal to minus 1 and minus 2. So, number 9 mein kya ho jayenge dekho? That is minus 2, minus 1, not defined plus ka, minus not defined. तो इसके अकॉर्डिंगली हम जो है इंटरवल्स बना देते हैं तो नाउ दीज आर इंटरवल्स साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड नेचर पहला इंटरवल माइनस नॉट डिफाइंड टू माइनस टू
minus 2 to minus 1 and minus 1 to 95. These are three intervals. आप देख लो कि कभी भी हमारे पास अगर एक क्रिटिकल वैल्यू आती है तो इंटरवल्स दो आएंगे, दो क्रिटिकल वैल्यूज आती हैं तो ऐसे केस में तीन इंटरवल्स आएंगे. तो अब सेम वही इसमें और क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, अब इसमें देख लो कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स को जीरो पहले पुट कर देंगे, माइनस सिक्स जीरो के साथ जीरो होंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इसी से साइन डिसाइड कर लेंगे, जबकि ये गलत है क्योंकि एफ डैश एक्स का साइन तो ये है ना, तो इस वाले नेगेटिव को भी हम कंसिडर करेंगे. तो माइनस नॉट डिफाइंड टू माइनस टू, माइनस नॉट डिफाइंड टू माइनस टू, इसके बीच में कोई भी वैल्यू रख दो आप, माइनस थ्री, इसमें माइनस थ्री रखेंगे तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा माइनस थ्री रखने से, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो थ्री टाइम्स नेगेटिव विच इज नेगेटिव, तो दैट मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट. फिर माइनस टू टू माइनस वन, माइनस टू और माइनस वन में सपोज हमने माइनस 1.5 पुट कर दिया, माइनस 1.5 पुट करेंगे तो पहले में क्या आएगा, नेगेटिव, फर्स्ट वाला तो नेगेटिव है, माइनस 1.5 अगेन नेगेटिव एंड लास्ट पॉजिटिव, तो दिस बिकम्स पॉजिटिव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. एंड माइनस 1 टू नॉट डिफाइंड में क्या हो जाएगा, जीरो पुट कर दो, जीरो पुट करने से पहले तो हमारे पास नेगेटिव है ही ऑलरेडी, जीरो पुट करने से पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो विच बिकम्स माइनस नेगेटिव, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज. तो दैट मीन्स द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल्स माइनस नॉट डिफाइंड टू माइनस टू, यूनियन ऐसा लिखना पड़ता है, यूनियन लिखना पड़ता है ना, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस नॉट डिफाइंड टू माइनस टू, यूनियन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस नॉट डिफाइंड टू माइनस टू, यूनियन माइनस वन टू नॉट डिफाइंड एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस टू टू माइनस वन. तो ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपको लिखना होता है, राइट. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इस पे बेस्ड आपने अब एक्सरसाइज 6.2 करना है कंप्लीट, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके डाउट्स भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है. तो पहले आपने ट्राई करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कल जब लाइव क्लास होगी तो तब हम इसके डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक है. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.